हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टीडीएस के जो चालान होते हैं, जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, उसको सॉफ्टवेयर के अंदर, जीनियस सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं एक ही बार के अंदर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसा मान लो ये सॉफ्टवेयर है आपका जीनियस, तो मैं आपको जीनियस के बारे में ही बताऊंगा अभी। इसको अभी हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपना टीडीएस का ऑप्शन सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, तो मेरी टीडीएस का सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो चुका है। अब मैं टीडीएस फॉर्म में जाऊँगा, आप कोई सा भी ले लो, उसके अंदर सेम ऑप्शंस होता है। तो मैं अदर देन सैलरी अभी आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपने आगे एक पार्टी सेलेक्ट कर ली, ठीक है, डबल क्लिक करके पार्टी सेलेक्ट कर लेते हो। आप पीरियड देख लो, टू फाइनल असेसमेंट ईयर 2020-21 है, सेकेंड क्वार्टर 26 क्यों है, चेंज करना चाहो पीरियड चेंज कर लो, जो मैं भी सेकेंड क्वार्टर का ही आपको दिखाऊंगा। व्यू एंड एडिट स्टेटमेंट में जाओगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप वन बाय वन कर करके यदि आप चालान ऐड करोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होता है, टाइम वेस्ट होता है। आप ये लगते हैं हमारी लाइन के अंदर आपको टाइम चाहिए होता है, और जितना टाइम बचाओगे आपको उतना ही बेटर होगा आपके लिए। तो अब यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इसका उस क्वार्टर से लेकर जितने, मतलब इस क्वार्टर के कंज्यूम कर लूँ, चाहे मैं पूरे साल के जो मेरे पेंडिंग है, चाहे मैं उनको इसके अंदर जो मैंने अनकंज्यूम चलाना है, जो मैंने आज तक यूज़ ही नहीं कराया, जिनका यूज़ किया है उनका कुछ बैलेंस पड़ा है, उसको मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके इम्पोर्ट हो जाएंगे। इम्पोर्ट करने के बाद बस फिर सिंपल सा आप जो है जाके अपने रिटर्न के अंदर उनके चलान के अगेंस्ट में डिटेक्टिव ऐड करके अपने रिटर्न सबमिट कर सकते हैं, जो कि फिर बहुत आसान से हो जाता है आपके लिए। तो आप यहाँ पे अनकंज्यूम चलान पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि मैं पहले भी मैंने कुछ किए थे, तो वो यहाँ पे दिखा रहा था कि आपके हो गए थे, तो ये एक बार खड़ा रहता है तो कोई बात नहीं। तो अब जैसे यूज़र आईडी आपने यहाँ पे डालोगे, पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे, और चेक यहाँ पे डालोगे, और यहाँ पे आप इसको यस करोगे, तो भी आपको ये टीडीएस सीपीसी की साइट पे जाके ये लॉगिन कर रहा है, तो आपको यहाँ पे कैप्चर्स मांग रहा है, तो अभी हम यहाँ पे कैप्चर्स डालेंगे। यदि आप कुछ कैप्चर्स में गलत भी डाल देते हो तो वो दिखा देता है कि ये आपका गलत है। अब देखो मैंने इसके अंदर ये आपके, इसने जो है इसके अनकंज्यूम चालान निकाल लिए, तो अनकंज्यूम चालान जैसे अब इसने यहाँ पे निकाले, तो देखो मैंने इसमें क्या है ना, 26 के असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये मेरे अनकंज्यूम चालान यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मेरा देखो 7 अक्टूबर का है, 4 अक्टूबर का है, फिर ये मेरा जो है 7 सितंबर का है, 2 अगस्त का है, फिर मेरा 10 अप्रैल का है, फिर मेरा 21 नवंबर का है। तो मेरे को भी जितना पता है कि जैसे मैं सेकंड क्वार्टर के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे सेकंड क्वार्टर के लिए मुझे पता है कि मेरे को 3 चालांस उठाने थे, जिसका मेरे को पता है कि भाई मेरे को ये चालांस ले जाने। तो 2018 का मैं भी कुछ नहीं ले रहा, मैं सिंपल 1 2 3 और ये तीनों ले रहा हूँ, क्योंकि सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर और अक्टूबर। तो जैसे मेरे अमाउंट होंगे 17,250 का है, मैं यहाँ पे अमाउंट डालूंगा, 17,250 है ये भी, 17,250 है ये भी, और 2 अगस्त का तो कुछ एक बार चेक कर लेंगे, 2 अगस्त का भी होगा, इसमें से भी देख लेंगे कुछ बैलेंस बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है, तो वेरीफाई अमाउंट करेंगे एक बार। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद देखो ये दिखा रहा है अमाउंट मैच अमाउंट मैच अमाउंट मैच, ठीक है जी। यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए अमाउंट मैच हो गई आपकी, 7 अक्टूबर 2019 को आपने पे किया अमाउंट, अनकंज्यूम्ड अमाउंट आपकी कुछ नहीं है। तो ये हो सकता है हमने जो है चालान हमने यूज़ कर लिया था पहले से ही वहीं पे। फिर हमारा दूसरा चालान है कि 17,250 का मैच्ड है, अनकंज्यूम्ड चालान दिखा रहा है, ठीक है। इनका दोस्तों मेरे को इन दो के बारे में पता नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी अमाउंट डाली नहीं थी, और मैं इसको देयर आर सम चालान्स आर नॉट मैच, डू यू वांट टू कंटिन्यू द मैच चालान्स ओनली, तो मैं केवल जो मैच चालान्स हुए हैं उन्हीं को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगा। अब मेरे 3 चालान जो है यहाँ पे हुए, जैसे PS6P, ठीक है दोस्तों, देखो ये मेरे चालान्स आ गए, ये मेरी अगस्त के अंदर है, सितंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर, ये मैंने दोनों चालान्स यहाँ पे इसके मेरे इंपोर्ट हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। देखो
2 अगस्त को किया, फिर 7 सितंबर को किया, 4 अक्टूबर को किया, ठीक है, अमाउंट मैच है, अमाउंट मैच है, तो यहाँ पे इसको बैक कर देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं, अगस्त वाला इंपोर्ट करना है, सितंबर वाला करना है और अक्टूबर वाला करना है, तो आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट अनकंज्यूम चलान्स, यस, ठीक है। देखो आ गए आपके सारे चलान्स ऑटोमेटिक, देखो आपको इतना टाइम लगाते, आप उसके अंदर सेक्शंस डालते, अमाउंट डालते, ये सारी चीजें जीरो जीरो करते, तो आपने इन सब को करने की बजाय सिंपल सा जो है अनकंज्यूम चलान के अंदर आपने यहाँ पे क्लिक किया, वहाँ पे अमाउंट मेंशन करी और इंपोर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रोसेस था सिंपल सा इंपोर्ट करने का। अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, थैंक यू।